इसके दो सेगमेंट होते हैं, पहला कौन सा होता है, त्रिभुज, और दूसरा होता है सर्किल। त्रिभुज में क्या होता है, ट्रायंगल, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रायंगल, और सर्किल। पूरा एसएससी हमारा जो है इसी पर बेस्ड है, या तो ट्रायंगल होगा या तो सर्किल होगा। ज्योमेट्री दो पार्टों में डिवाइड है, पहला ट्रायंगल, दूसरा सर्किल। तो सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल की बात करेंगे, ट्रायंगल में क्या क्या पढ़ेंगे, तो डालिए पहला पॉइंट ट्रायंगल, लिखिए। पहला पॉइंट है त्रिभुज, ट्रायंगल। ट्रायंगल में एसएससी इधर दो तीन साल से क्या पूछ रहा है, इसमें पांच सेगमेंट होते हैं, पहला अंतः केंद्र, दूसरा परिकेंद्र, तीसरा लंब केंद्र, केंद्रिका, कोण विभाजक, एंगल बाइसेक्टर। कोण विभाजक है ना। इसके बाद दो पॉइंट और होते हैं, लंब और दूसरा माध्यिका। मतलब त्रिभुज की पूरी प्रॉपर्टी इसी में रहती है। पहला क्या है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इन सेंटर, इसको बोलते हैं सरकम सेंटर, इसको बोलते हैं आर्थो सेंटर, इसको बोलते हैं सेंट्रॉइड, इसको बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं मीडियन। आई बात समझ में। मतलब इतने पोर्शन अगर हम लोग पढ़ ले, ज्योमेट्री में दो सेगमेंट हैं, पहला कौन सा है ट्रायंगल, दूसरा कौन सा है सर्किल। ट्रायंगल में कितने पोर्शन हैं, एक तो है इन सेंटर, दूसरा है सर्कम सेंटर, तीसरा है आर्थो सेंटर, फिर है सेंट्रॉइड, फिर है एंगल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर और मीडियन। क्वेश्चन ज्योमेट्री में पाँच से छः क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हारे प्री पोर्शन में, तीन से चार मान लो, अब तो नहीं आते, पचास पे आते थे, तीन से चार मान लीजिए, और मेंस में कम से कम आठ से दस सवाल। बात समझ रहे हैं। मतलब पूरा इसी में से तुम्हारा 50% क्वेश्चन तुम्हारा ट्रायंगल पे बेस्ड होता है, त्रिभुज पे। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे इन सेंटर की, तो डालिए पॉइंट पहला इन सेंटर। पहला पॉइंट क्या है, इन सेंटर, अंतः केंद्र। पहला पॉइंट क्या है, इन सेंटर, अंतः केंद्र। इन सेंटर, इन सेंटर क्या होता है, इन मतलब भीतर, मतलब त्रिभुज के भीतर। अब इन सेंटर जो है, कोई भी त्रिभुज है, त्रिभुज तीन टाइप के होते हैं, पहला न्यून कोण, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, न्यून कोणीय त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। दूसरा होता है राइट एंगल ट्रायंगल, समकोणीय त्रिभुज, और तीसरा होता है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, अधिक कोणीय त्रिभुज। कौन सा होता है, अधिक कोणीय त्रिभुज। बात समझ गए, पहला कौन सा होता है न्यून कोणीय, दूसरा होता है समकोणीय, तीसरा होता है अधिक कोणीय। तीन तरह के ट्रायंगल होते हैं। इन सेंटर सम में कहां होगा, भीतर ही होता है, क्यों, नाम से ही लग रहा है, इन मतलब अंतः केंद्र, इन सेंटर त्रिभुज के भीतर। ये बनता किससे है, ये एंगल का बाइसेक्ट करने पर बनता है, एंगल का बाइसेक्ट करने पर बनता है। जैसे अब ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, मान लो इसमें मुझे इन सेंटर बनाना है, क्या करेंगे, किन्हीं दो एंगल को, किन्हीं
दो एंगल को बाइसेक्ट कर लेंगे, ऐसे ऐसे है। पहले तो बाइसेक्ट किससे करते थे, कंपास से, यहाँ तो ऐसे बना लेंगे, यहाँ से आधे से अधिक दूरी लेंगे, एक आर्क लगाएंगे, यहाँ से आधे से अधिक दूरी लेंगे, एक आर्क लगाएंगे और सीधा ऐसे बढ़ा देंगे, ऐसे इधर करेंगे, यहाँ से आधे से अधिक क्या लेंगे दूरी, क्या करेंगे एक चाप लगाएंगे, वही आर्क लगाएंगे, यहाँ से फिर एक आर्क लगाएंगे, जहाँ काटेगा जिस बिंदु पर दो एंगल बाइसेक्टर आपस में काटते हैं उसे हम इन सेंटर कहते हैं। जिस बिंदु पर दो एंगल बाइसेक्टर कोण विभाजक एक दूसरे को काटते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, इन सेंटर कहते हैं। अब इसको बोलते हैं आई से, इसे बोलते हैं आई से। अब देखो इसमें ये एंगल अगर थीटा है तो इसको कैसे प्रूफ करते हैं, इसका मान कैसे निकलता है, तो देखते हैं। जैसे ये ट्रायंगल है मान लो, वो ध्यान सुनिएगा इस चीज में, ये इन सेंटर है मान लो, एंगल बाइसेक्टर आपने कर दिया और ये ऐसे कट कर गया, कहाँ पर, आई पर। अब ये एंगल पूरा अगर बी है तो ये आधा कितना होगा, बी बाई टू, ये वाला अगर पूरा कितना है, बी है तो आधा कितना होगा, बी बाई टू, और ये कितना पूरा है, सी, तो आधा कितना होगा, सी बाई टू। आधा क्यों होगा, क्योंकि ये इन सेंटर बनता किससे है, एंगल का बाइसेक्ट करने पर, कोण का विभाजन करने पर, ये कोण का विभाजन किया गया इसलिए यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर हो गया, तो ये पूरा एंगल सी है तो आधा कितना हो गया, सी बाई टू। तो अगर ये बी बाई टू है, सी बाई टू, इसको मान लेते हैं थीटा है, कितना मान लेते हैं थीटा है, तो बी बाई टू प्लस सी बाई टू प्लस थीटा इक्वल टू 180 डिग्री होगा, नहीं होगा। अब इसको क्या बोलेंगे, बी प्लस सी बाई टू, और तीनों एंगल का सम कितना होता है, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, किसी भी त्रिभुज में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो b प्लस सी बाई टू मतलब b प्लस सी क्या हो जाएगा, 180 माइनस a, तो b प्लस सी 180 माइनस a बाई टू प्लस थीटा बराबर 180 डिग्री, डिवाइड कर दो, 90 डिग्री माइनस a बाई टू प्लस थीटा बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से a थीटा कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा तुम्हारा 90 प्लस a बाई टू, ये तुम्हारा सेगमेंट तैयार हो गया। साथ में नोट करते रहिएगा, थीटा कितना हो जाएगा, 90 प्लस ए बाई टू। अब देखो यहाँ पे इसका मतलब तीन डायग्राम बनेंगे इसमें, जैसे ये इन सेंटर है तो ये इन सेंटर है तो इसको जब मिला देंगे ऐसे, तो अगर हमें ये ए बी सी है, ए बी सी, अगर हमें एंगल बी आई सी चाहिए तो होगा 90 प्लस ए बाई टू, अगर हमें एंगल ए आई सी चाहिए तो होगा 90 प्लस बी बाई टू, अगर हमें चाहिए एंगल ए आई बी तो ये होगा 90 प्लस सी बाई टू, कितना होगा 90 प्लस सी बाई टू। जल्दी नोट करिएगा, एंगल बी आई सी बराबर 90 प्लस ए बाई टू, ए आई सी बराबर 90 प्लस बी बाई टू, और एंगल ए आई बी बराबर 90 प्लस सी बाई टू। नोट कर लिए, अब जो क्वेश्चन लिख रहे हैं लिखो साथ में। ऐसे बोले हम त्रिभुज एबीसी में एंगल बी व एंगल सी का विभाजन किया जाता है, एंगल बाइसेक्ट का विभाजन मतलब बाइसेक्ट विभाजन किया जाता है, यदि विभाजन किया जाता है जो आई पर काटते हैं, यदि एंगल बी आई सी बराबर 110 डिग्री तो
एंगल बी ए सी का मान होगा? बी ए सी का मान होगा, अब देखो मान लीजिए त्रिभुज है, अभी हमने क्या पढ़ाया है, ए बी सी है, ये आई है मान लो, इन सेंटर आई है, और ये कितना एंगल दिया है, ये हमें 110 दिया है, हमसे ये वाला एंगल पूछा है, तो कैसे निकालोगे, 90 से कितना ज़्यादा है, 90 से कितना ज़्यादा है, 90 से 20 ज़्यादा है, उसका डबल ये हो जाएगा, क्योंकि ये 90 में इसका आधा जुड़ता है, 90 में क्या होता है, इसका आधा जुड़ता है, तो जब इसमें 90 में इसका आधा जुड़ता है तो क्या करेंगे, 90 से कितना ज़्यादा है ये देख लो ना सीधा, 90 से 20 ज़्यादा है, तो 20 का डबल कितना हो जाएगा, 40, क्लियर है, बिल्कुल कुछ करना है नहीं। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 2, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में आई अंतः केंद्र है, इन सेंटर है, आई क्या है, इन सेंटर है, आई अंतः केंद्र है, आई एम, आई एम रेडियस है, आई एम क्या है, आई एम क्या है, रेडियस है, एम बी सी पर है, एम कहाँ है, बी सी पर है, यदि एंगल बी आई एम इक्वल टू 34 डिग्री तो एंगल ए आई सी का मान क्या होगा, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, इंपॉर्टेंट है, समझ गए, क्या लिखा है, त्रिभुज एबीसी में आई एन सेंटर है, अब देखो अगर ये इन सेंटर है, अगर क्या है, इन सेंटर है, तो ये एंगल का क्या हुआ है, बाइसेक्ट हुआ है, बिना एंगल के बाइसेक्ट से इन सेंटर नहीं बनता, तो अगर ये है तो इसका मतलब ये ऐसे बाइसेक्ट हुआ होगा, समझ गए, ये बाइसेक्ट हुआ होगा ऐसे। अब देखो अगर आई एम रेडियस है, आई एम क्या है, रेडियस है, अब ध्यान रखिएगा, इन सर्किल में रेडियस, इन सर्किल में रेडियस साइड पर लंब होती है, क्या होती है, लंब होती है, मान लो इन सेंटर है ये, किसी भी ट्रायंगल में इन सर्किल का सेंटर से जो रेडियस होती है वो क्या होती है, अब साइड पर परपेंडिकुलर होती है, ये बात समझ गए, ये प्रॉपर्टी आपको आनी चाहिए कि किसी भी ट्रायंगल में इन रेडियस जो होती है, अंतःवृत्त की त्रिज्या जो होती है, बात समझ गए, वो क्या होती है, साइड पर परपेंडिकुलर होती है, क्लियर है, तभी तो यहाँ से आर बराबर क्या आता है, डेल्टा अपान एस, इसी से प्रूफ होता है, स्मॉल आर क्या होता है, डेल्टा अपान एस, वो इसी से प्रूफ होता है। अब देखो यहाँ, अब ये वाला एंगल हमें दिया है बी ए सी, तो बी ए सी में आई बी आई एम कितना दिया है, 34, हमें ये दिया है 34, और ये कितना होगा, ये क्वेश्चन दिया नहीं है बट यहाँ तुम्हें ध्यान होना, इससे ध्यान होना चाहिए, 90 डिग्री, तो 90 है 34 है, तो ये कितना हुआ, पूरा 180 होता है, तो 180 में 90 हटा, अब 34, 90 में 34 कितना बचा, 50, 56 डिग्री बचा, 56, और ये वाला एंगल हमें चाहिए, ये वाला, तो ये वाला एंगल कितना होता है, 90 प्लस पीछे का आधा, और ये आधा ही तो है, 56 तो आधा है, तो इस 56 को ऐड कर देंगे, आ रहा समझ में, तो जोड़ देंगे इसमें 6, 9, 5, 14, 146 डिग्री, पहले पढ़ा, कहने का मतलब है क्या करोगे, सबसे पहले ये 34 दिया हुआ है, ये 90 तुम्हें आना चाहिए, क्योंकि ये होता है लंब, रेडियस क्या होती है, साइड पर लंब होती है, कैसे, ऐसे पता होना चाहिए, सर्किल का टेंजेंट नहीं हो गया, ये सर्किल क्या बन गया, उसका क्या है, टेंजेंट हो गया, और सेंटर्स क्या हो गया, 90 डिग्री कौन बनाता है, तो ऐसे ही यहाँ पर हो जाएगा, तो 34 से 56, 90 प्लस 56 कितना आ गया, 146, क्लियर है। अब देखो इसमें
इसके बाद इसमें देखो इन सेंटर में जैसे ये ए बी सी, ए बी सी, अब इसमें अगर ये इन सेंटर है, आई क्या है, इन सेंटर है, तो इसको अगर यहां से ऐसे मिला दें ये आई, और यहां पर ले लें हम बी, या ए बी सी हो चुका है, इसको डी मान लो, और इसको जो है ऐसे मिला दो, तो एंगल बाइसेक्टर में क्या होता है, मान लो ये आई एंगल बाइसेक्टर तो है, एंगल बाइसेक्टर, तो यहां से क्या बनता है ए आई, अगर ये स्मॉल ए है, ये बी क्या होगा, स्मॉल बी होगा, और सी क्या होगा इसमें, स्मॉल सी, यहाँ ये तो पता है ना कि कोई भी त्रिभुज में एंगल सामने क्या होती है, भुजा होती है, तो पढ़ाई थे ट्रिग्नोमेट्री में, ए बी सी, ए है तो ये स्मॉल ए, बी है तो ये सी, है तो स्मॉल सी। अब यहाँ पर देखो इन सेंटर में क्या काम आ रहा है, एंगल बाइसेक्टर काम आ रहा है, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर से क्या बनता है, इन सेंटर बनता है। अभी हम क्या कर रहे थे, कोण का विभाजन तो कर रहे थे, और एंगल बाइसेक्टर की जो प्रमेय होती है उसे हम लोग बात कर लेंगे बाद में। जैसे ए बी सी है और ये एंगल बाइसेक्टर है ए डी, तो प्रॉपर्टी होती है ए बी बटा ए सी बराबर बी डी बटा सी डी, ये एंगल बाइसेक्टर को हम प्रूफ करेंगे बाद में, ये सूत्र को हम प्रूफ करेंगे, बट यहाँ क्या है, यहाँ इसकी ज़रूरत है इन सेंटर में, तो क्या बन रहा है ए बी बटा ए सी बराबर बी डी बटा सी डी, ये बनेगा प्रॉपर्टी। अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बनेगा ए आई बटा आई डी क्या बनेगा, हमको ये निकालना है ए आई बटा आई डी। अब देखो इसमें अगर ये ए है तो जो रेशियो है इसका, जो रेशियो किसका है, सी और बी है, तो ये साइड भी उसी रेशियो में बटेगी, बढ़ेगी, अभी बताया थे ये किसमें बटता है, जो रेशियो इसका होता है, देखो है, तो ए को हम किसमें बांटेंगे, सी और बी में बांटेंगे। अब देखो तो ए गुणे क्या हो जाएगा, सी चाहिए, सी बटा बी प्लस सी, जान पा रहे हैं, मतलब हमें ए को बांटना है सी और बी के रेशियो में, सी और बी के रेशियो में किसको बांटना है, ए को, तो कितना आ जाएगा, ए गुणे हमें सी वाला हिस्सा चाहिए ये वाला, और ये बी प्लस सी है, ऐसे इसको बांटेंगे हम किसमें, किसमें बांटेंगे, ए गुणे बी बटा बी प्लस सी, इतना क्लियर हो गया। अब देखो, अब ये भी एंगल बाइसेक्टर है, ये क्या है, ये भी एंगल बाइसेक्टर है, तो इसमें क्या नियम बनेगा, ये बटा ये बनेगा, नहीं बनेगा, और बराबर ये बटा ये, सेम प्रॉपर्टी होगी नहीं होगी, ये बटा ये कहाँ तक, यहाँ तक, हम इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, इसकी आ रहा समझ में, इस त्रिभुज में हमको ये भुजा पता चल गई कितनी है, ए गुणे सी बटा बी प्लस सी, और ये कितनी है सी, तो जो इसका रेशियो होगा वही इसका रेशियो होगा, तो ये बराबर हो जाएगा सी बटा कितना, ए गुणे सी बटा बी प्लस सी हो जाएगा, तो ए आई बटा आई डी बराबर ये बनेगा तुम्हारा सी गुणे बी प्लस सी बटा ए गुणे सी, तो ये तुम्हारा सूत्र बना ए आई अपान आई डी बराबर बी प्लस सी बाई ए। ये सबसे इंपॉर्टेंट सूत्र है तुम्हारा, खूब सवाल आता है इस पर, हाई इन सेंटर बट सबसे बढ़िया थ्योरम है ये, दोबारा समझा दें, कहीं पर बता दो, कहाँ पर बताओ, ये वाला देखो, यहाँ पे सबसे पहले जब सी और बी, ये समझ गए होगे, सी बी को ए, ए को सी और बी के रेशियो में बांटना है, तो हमने इसको ए को बांट दिया इस तरह, ठीक है। अब जो है, अब हम इस ट्रायंगल में ए डी और बी में लगा रहे हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ये वाली, तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होती है कि साइड का रेशियो क्या होता है, वही होता है जो सामने वाली भुजा जिस रेशियो में डिवाइड होती है, वह अन्य भुजाएं भी उसी रेशियो में होती हैं।
ऐसे मान लो हमें ये भुजा, ये एडी जो है सामने वाली भुजा को जिस अनुपात में बांटेगा जो अन्य भुजाओं का रेशियो होता है, एंगल बाइसेक्टर इसी को बोलते हैं। बाकी इसको हम प्रूफ कराएंगे कैसे होता है, बट यहां काम है, लिख लो उसको, लिख लिए और बाद में इसमें लगा दिए, इस वाले में देखो ऐसे इसमें लगा दिए ये, तो ये आई है, ये ए है, ये डी है, ये भुजा है ए गुणे सी बटा बी प्लस सी, और ये कितना है सी, ये बी। अब समझ गए, तो ये बटा ये बराबर ये बटा ये, क्लियर। हटा दें, अब इस पर क्वेश्चन लिखो एक, देखो त्रिभुज एबीसी में आई इंसेंट अंतः केंद्र है, इंसेंटर है, एबी बराबर 8 सेंटीमीटर, बीसी बराबर 10 सेंटीमीटर, सी ए बराबर 12 सेंटीमीटर। यदि ए आई को बढ़ाने पर, ए आई को बढ़ाने पर बी सी को डी पर काटती है, ये हटा दो ए आई 12 सेंटीमीटर, यदि हटा के लिखो ए आई को बढ़ाने पर बी सी को डी पर काटती है, फिर लिखो यदि ए आई बराबर 5 सेंटीमीटर तो आई डी का मान क्या होगा, आई डी का मान ज्ञात करो, आई डी का मान ज्ञात करो। ऐसे क्वेश्चन पहचान लेना, क्वेश्चन क्या है, त्रिभुज एबीसी में आई इन सेंटर है, ए बी 8 दिया है, बी सी 10 दिया है, सी ए 12 दिया है, वो बोला ए आई को बढ़ाने पर बी सी को डी पर काटती है, यदि ए आई बराबर 5 सेंटीमीटर है तो आई डी का मान ज्ञात करो। सबसे बढ़िया क्वेश्चन है ये ज्योमेट्री का, वो भी इन सेंटर पर, समझ रहे हैं। तो क्या करेंगे, इसे लिखेंगे ए बी सी, बोलो है ना, है ना। अब देखो आई इन सेंटर ऐसे हो गया, हमें ए बी कितना दिया है 8, बी सी कितना दिया है 10 और सी ए कितना दिया है 12 है। अभी हम लोग क्या पढ़े थे, हम लोग पढ़े थे ट्रायंगल में कि अगर ये ए बी सी है तो ये ए होता है, ये बी होता है, ये सी होता है, और ये अगर आई डी है, ए आई डी, हम लोग क्या सिद्ध किए हैं, ए आई अपान आई डी बराबर कितना, बी प्लस सी बाई ए, सिद्ध किए हैं। यहां देखो हमें ए आई अपान आई डी चाहिए, ये आई डी है, बराबर बी, बी कौन सी भुजा होगी, बी होगी तुम्हारी ए सी, ए सी प्लस सी कौन सी भुजा होगी, सी के सामने ए बी बटा क्या लोगे साथ में बी सी। तो ए आई हमें कितना दिया है सवाल में 5 बटा आई डी बराबर ए सी कितना है 12, ए बी कितना है 8, बी सी कितना है 10, तो 5 बटा आई डी बराबर 12 8 20 बटा 10 2, आई डी बराबर 2.5 सेंटीमीटर, आई डी कितना हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा।